हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम किए हैं कंप्यूटर का पोस्टमार्टम। स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त एसपी टुड्डू। और चलिए दिखाते हैं क्या क्या कंपोनेंट हम सुनते हैं कि लैपटॉप में होता है, पर अंदर से वो दिखता कैसा है, होता कैसा कैसा है। तो सबसे पहले हम लेके आए हैं बैटरी, नोटबुक बैटरी। देखिए यहाँ पे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, प्रोसेस्ड इन चाइना। चलो बाबा, फिर हम सुनते हैं एक जरूरी कंपोनेंट जो होता है लैपटॉप के लिए, वो है हार्ड डिस्क। देखिए इसमें लगा हुआ था सीगागेट का 500 GB हार्ड डिस्क, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे, 500 GB हार्ड डिस्क। साटा ड्राइव है, तो वो साटा किधर है? ये है साटा, इस तरफ साटा। ये है साटा। आगे बढ़ते हैं। और आप बहुत सुनते हैं रैम, यही है वो रैम जिसका बहुत है नाम। देख पा रहे होंगे 4 GB, ये DDR3 रैम है, इसी को बोलते हैं रैम। जितना ज्यादा रैम उतनी स्पीड लैपटॉप की। तो ये बोर्ड में दिखाएंगे आपको, ये लगता कहाँ पे है। और आप देखते हैं साउंड सिस्टम वो कैसा रहता है, ये है स्पीकर साउंड। किधर से देखेंगे, फ्रंट साइड में आपको ऐसे दिखता है, तो यही है स्पीकर। और कीबोर्ड, कीबोर्ड का क्या हाल चाल है, ये देखिए कीबोर्ड आपका। डिस्प्ले, चलिए डिस्प्ले दिखाते हैं आपको। ये है 17 इंच का डिस्प्ले, दिख रहा है कि काला काला दिख रहा है, पूरा कवर हुआ, ये इस तरीके से दिख रहा है, खुल के पूरा खुला हुआ है डिस्प्ले। चलिए अभी तो कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहा है। हाँ, आप आते हैं अभी जो अपसलूट हो गया है इसके डेट में, ये है सीडी ड्राइव जो आजकल नहीं आते। फिर आते हैं सबकी माँ, मदरबोर्ड, ये ऐसे खाली हो गया है। और एक चीज जो आपको नहीं दिखा पाएंगे, उसको दिखाने के लिए मुझे और एक लेयर खोलना पड़ेगा इसको, जो कि मैं अभी बिल्कुल नहीं खोलूंगा। और ये है सीपीयू फैन, यहाँ पे आप देख रहे हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग फैन। और कुछ बच गया कंपोनेंट लेवल पर, यही हार्डवेयर आपको बता पाएंगे, चिप लेवल पर तो बहुत सारे हैं। तो चलिए दोस्तों, ये क्या है, ये कवर है, ज्यादा कुछ नहीं है। तो हो गया था मेरा लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम, और जिसके वजह से अमेजन वालों ने मना कर दिया। मैंने इसको डाला था एक्सचेंज ऑफर में लेने से, तो मैं इसको ठीक कर लेता हूँ, फिर बुलाऊंगा अमेजन वालों को, फिर देखते हैं वो इसको लेते हैं कि नहीं। हाँ, मैं बोला था कि आपको दिखाऊंगा रैम कहाँ लगता है बोर्ड में, ये है रैम के इस लैपटॉप में। 2 स्लॉट दिए हुए हैं, आप 4 GB का यहाँ पे लगा हुआ है, आप और 4 GB का लगा सकते हैं, आप चाहें तो 8 GB का भी लगा सकते हैं, पर आप अपना देख लें मॉडल ये सपोर्ट करेगा कि नहीं, कितना मेगाहर्ट तक सपोर्ट करता है उसको आप चेक कर लें, उसके बाद आप इसमें बढ़िया से अपग्रेड कर सकते हैं। और हार्ड डिस्क के लिए यहाँ पे क्योंकि स्लॉट नहीं है, तो हम इसको एडिशनल तो नहीं लगा सकते, पर इसको रिप्लेस जरूर कर सकते हैं दूसरा हार्ड डिस्क से, 500 का 1000 मतलब 1 TB कर सकते हैं। बाकी दोस्तों थैंक यू।
आपने वीडियो देखा यहाँ तक, अच्छा लगे तो लाइक कर देना, मैं इसको बाद में असेंबल कर लूँगा, वो आपको नहीं दिखाता हूँ। थैंक यू।